नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे, चर्चा में सुन रहे होंगे कि चीन से विदेशी कंपनियां निकल रही हैं, या तो वो अपने देश वापसी जा रही हैं या फिर अपने भारत में आ रही हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि एप्पल जो कंपनी है या आपकी भारत में आ रही है, तो देखेंगे क्या वापसी हो रही है। इससे संबंधित सभी आपके पक्ष देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका आर्टिकल लिखा गया है देवाशीष बसु के द्वारा। ठीक है, गत 28 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोविड-19 महामारी पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर यह अजीब दावा किया कि कई कंपनियां चीन से बाहर जाएंगी और उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले से उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है, कि जो कंपनियां आपकी चीन से बाहर निकलेंगी वो भारत आने को, हो सकता है भारत आए। उन्होंने कहा है कि आखिर भारत के पास प्रचुर श्रम शक्ति, कौशल और बेहतर आधारभूत ढांचा है। कुछ समय बाद ही केंद्रीय मंत्री आपके जो नितिन गडकरी ने एक कारोबारी समाचार चैनल से कहा कि वह पूरी दुनिया में चीन और उसकी अर्थव्यवस्था के प्रति नफरत का भाव, यह विपत्ति में वरदान जैसी स्थिति है। यह भारत और भारतीय निवेशकों, खासतौर पर MSME क्षेत्र के लिए निवेश जुटाने का एक बढ़िया अवसर है। उसके बाद आई एक समाचार रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत ने चीन से बाहर जाने की सोच रही कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। जो भारत चीन से बाहर निकल रही है कंपनियां, उसे भारत में लाने के लिए आपका जो भारत ने कोशिशें अपनी तेज कर दी है। देश में विदेशी वैश्विक देश में वैश्विक निवेश को प्रोत्साहन एवं समर्थन के लिए गठित इकाई इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश की मंशा रखने वाली करीब 1,000 वैश्विक कंपनियों की सूची भी तैयार कर ली। इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत चीन से बाहर निकल रही कंपनियों को लुभाने के लिए लग्जमबर्ग के दुगने आकार का एक लैंड पूल तैयार करने में जुटा हुआ है। देश भर में आपके 4.61 लाख हेक्टर क्षेत्र की पहचान भी की जा चुकी है। असम सरकार ने कहा कि वह चीन से बाहर निकलने का इरादा रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की योजना बना रही है ताकि वे राज्य में उत्पादन इकाइयां लगा सके। इस तरह चीन से कंपनियों के बाहर निकलने और उन्हें अपने यहां आकर्षित करने के सुर काफी तेज होने लगे। अचानक ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो बीजेपी है, भाजपा के शासन वाले राज्यों उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश ने अधिकांश श्रम कानूनों को अगले 3 वर्षों के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि कई राज्यों ने अभी जो मजदूर 8 घंटे काम करते थे उन्हें 12 घंटे करने की सहमति जताई है। तो इससे क्या होगा कि जो आप अगर 10,000 में 8 घंटे काम करवा रहे थे तो उसी 10,000 में आप 12 घंटे काम करवा सकेंगे श्रमिकों से, क्योंकि वेतन बढ़ाने का कोई मुद्दा नहीं उठा गया लेकिन काम के घंटों का मुद्दा उठाया गया। कारोबारी अक्सर कष्टदायक श्रम कानूनों की मौजूदगी और उनकी आड़ में इंस्पेक्टर राज को होने की शिकायत करते हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि श्रम कानूनों को निलंबित कर देने से अरबों डॉलर का निवेश आ जाएगा। क्या वाकई में ऐसा होगा? मुझे तो ताज्जुब होगा कि अगर कोविड संकट के बाद चीन छोड़कर जाने वाली विदेशी निवेश के भारत आने में थोड़ी भी तेजी आती है तो इस धारणा के पीछे मेरे ये कारण हैं। कौन कौन से? क्या वाकई में कोई कंपनी चीन से जा रही है? अर्थशास्त्री एवं चीन मामलों के जानकार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि देशों की स्थिति किराना दुकानों जैसी नहीं होती कि थोड़े कम भाव पर सामान बेचने से ग्राहक उनकी तरफ आने लगे। ये निर्णय किसी आवेग में नहीं लिए जाते हैं और ना ही किसी घटना से प्रेरित होते हैं।
और बेहद जटिल होते हैं। ऐसे में अचरज नहीं है कि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना के मार्च में किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि 70% से अधिक कंपनियों की कोविड की वजह से, यानी कि जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से अपना उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला परिचालन चीन से कहीं और जाने की कोई योजना नहीं है। यानी कि विदेशी कंपनियों के चीन से बाहर निकलने की पूरी सोच ही गलत है। इसकी वजह क्या है? विदेशी कंपनियां चीन की व्यापक आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं, श्रम उत्पादकता और विश्व स्तरीय ढांचे की वजह से वहां गई हैं। इसके अलावा उन्हें वहां पर बड़ा घरेलू बाजार भी मिल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि चीन में जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, पहले स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। एक महामारी इन वजहों को नहीं बदल सकती है और इस पर असरदार तरीके से काबू पाकर चीन ने अपनी छवि को और पुख्ता भी कर लिया। एम चैम चाइना के अध्यक्ष एलेन बीबे कहते हैं कि चीन वैश्विक कोविड संक्रमण वक्र से आगे न जा रहा था, खासकर महीनों के लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के मामले में। यह बताता है कि कंपनियां चीन आने आना ही क्यों पसंद करती हैं। अगला सवाल यह है कि चीन छोड़कर जाने वाली कंपनियां क्या भारत आने को लेकर उत्सुक हैं? इसके पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है, कि वहां से जो भी कंपनियां निकलेंगी वो भारत ही आएंगी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल मैं ऑटो कंपनियों जैसे बड़े पैमाने पर अंतर संबंधित कारोबार वारों के लिए अपना काम समेट कर दूसरी जगह चले जाना नामुमकिन है, और अगर कुछ कंपनियां चीन से चली भी जाती हैं तो फिर भी भारत क्यों आएंगी, ठीक है। फिर आपका विदेशी कंपनियों के लिए भारत आकर्षक नहीं है। वर्ष 2018 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर चला गया। एटी केयर्नी FDI विश्वसनीयता सूचकांक में भारत 2015 के बाद पहली बार 10 से बाहर गया था, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में FDI प्रवाह 11% बढ़ा दिया। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पिछले साल जारी आंकड़े बताते हैं कि 6 साल में पहली बार वर्ष 2018-19 में भारत में FDI गिर गया है। भारत विदेशियों के लिए आकर्षक नहीं, इसके कई कारण हैं और सभी समान रूप से महत्वपूर्ण भी। बात केवल जमीन की उपलब्धता या फिर सख्त श्रम कानूनों का मसला नहीं है, या लाल फीताशाही, फिरौती, पूर्व प्रवाह सुधार नियमों में अस्थिरता, कर आतंकवाद, खराब श्रम उत्पादकता, बंदरगाहों पर होने वाली देरी और सॉवरेन जोखिम का मामला है। समझ में आए? फिर आपका स्थानीय लोगों को भी अनावश्यक लगता है भारत, स्थानीय लोगों को भी अनाकर्षक लगता है भारत। विदेशी निवेश को लेकर हो रही पूरी चर्चा ही मजाक लगती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि विकल्प रखने वाले भारतीय कारोबारी भी भारत में निवेश नहीं करना चाहते। घरेलू निवेश पिछले 6 वर्षों से सुस्त रहा है और पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में यह दिखाई भी देता है। इसकी वजह यह है कि घरेलू मांग कमजोर हो रही है और क्षमता अधिक है और सार्वजनिक निवेश कम है आपका। इस तरह अधिक निवेश करने के लिए घरेलू कारोबारियों के पास कोई प्रोत्साहन नहीं है। किसी भी हाल में भारत निजी क्षेत्र निवेश में सूखे जैसी स्थिति से गुजर रहा है। ये तीनों बिंदु पर जो हम लोगों ने बात की है, खास कर आखिरी 2 बिंदु के बारे में, तो यह कोई जानता है, हर कोई जानता है कि लिहाजा वह विश्वास कहाँ है कि चीन से FDI हटेगा और उसकी वजह से भाजपा शासित राज्य कदम उठाने लगे। असल में यह नेताओं की मीडिया को व्यस्त रखने की एक रणनीति नजर आती है, ताकि वह प्रासंगिक खबरों के पीछे भागे और कोविड संकट से निपटने को लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल ना उठाए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को चीन से FDI का रुख भारत की ओर मोड़ने की बात से हुई थी, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि भाजपा शासित राज्यों ने इसे इशारा समझकर आनंद फानन में शोर शराबा शुरू कर दिया है। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग,
आप मानिए या ना मानिए, आप अगर फेल होते हैं एक बार तभी तो आप दूसरा पढ़ते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। लॉकडाउन अगर आपका फेल ना हुआ होता तो लॉकडाउन 4 तक स्थिति ना आती, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन जो पहले 1, 2, 3 लगाए गए वो फेल हुए, इसीलिए तो आपका 4 लगाए गए। और 4 लगाने के बाद आपने देखा होगा कि राज्यों पर छोड़ दिया। ये तो वैसे ही बात हुई कि गांव में कोई शेर आया आपके यहाँ, आप मुखिया हैं गांव के, तो आपने क्या किया कि पूरे गांव को घर में बंद करने के लिए रख दिया कि जब तक ये शेर नहीं हट जाता, इसे ठिकाने नहीं लगा देते हैं, मत इसे घर से बाहर मत निकलिए। तो घर में जो भी रखा होगा आसन राशन खाना पीना वो खत्म होने की स्थिति पे आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से देखिए, वो समस्या जो शेर थी वो भी वही है अभी। तो कोरोना का वही संकट है कि अब तो आप लोग देख रहे हैं कि 5-6 हजार, 5,500 से ज्यादा, 6 करीब 6 हजार डेली के केस आ रहे हैं, यानी स्थिति सुधरी कहाँ है, आप ही सोचिए। इसमें आए सरकार की फेलियर है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जो मजदूर शुरू में जब 200-300 केस आए हुए थे तभी ये मजदूरों को वापस अपने घर भेज देते, तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी ना होती। आप सोचिए कि अब पता नहीं है कि अब कौन से मजदूर में कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो अब वो गांव जा रहे हैं, एक कड़ी टूटने की बजाय और जुड़ती जा रही है। लेकिन जब शुरू में आए हुए थे तो वहां से हट जाती, मुंबई से दिल्ली से, तो कम खतरा था। इसलिए कम खतरा था कि क्योंकि शुरुआत थी कोरोना वायरस की, वो इतने जल्दी नहीं फैला हुआ था, क्योंकि ये विदेशों से आया था, विदेशों से वही लोग आए थे जिनमें विदेश जाने की क्षमता थी, समझ में आए। तो उस समय देश की स्थिति, और उसके बाद आप लोग 6 महीने 1 साल तक लगाते रहते लॉकडाउन, तो क्या है, गरीब घर में रहकर कुछ व्यवस्था खाने पीने की करता रहता ना, 150 से 200 मजदूर मरते आपके, ना ही आपको परेशानी होती। लेकिन कई, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि कई विज्ञानों ने सलाह दी है इस तरह की, लेकिन सुना ही नहीं गया। आप लोगों ने रामायण देखी होगी अक्सर, राम क्या नहीं जानते थे, भगवान श्री राम क्या नहीं जानते थे, फिर भी आपने देखा होगा जब हनुमान जी सलाह दे रहे हैं, विभीषण सलाह दे रहे हैं, जामंत सलाह दे रहे हैं, तो सबकी सलाह सुनते थे भगवान और मुस्कुराते थे, और वो भी पूछते भी थे कि हनुमान जी तुम्हारी राय क्या है, विभीषण तुम्हारी राय क्या है, लक्ष्मण तुम्हारी राय क्या है। वो तो स्वयं भगवान थे, वो तो सब समस्याओं से परिचित थे, फिर भी इसलिए उन्होंने बताया मैंने कि रामायण पूरा होने का मतलब इतना है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह इंसान को जीना चाहिए, यही सिखाती है हमें रामायण, कि हमें दूसरे की सुनने चाहिए, हो सकता है कि हमसे बेहतर वो बता रहा हो समस्या का समाधान करने का उपाय, सुझा रहा हो। ठीक है, अब आप लोग 20 लाख खत्म, 20 लाख करोड़ खत्म हो गए हैं, सही है, वो आगे फायदा होगा इतना मैं अभी मानता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि अभी जरूरत गरीब को किसकी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट अभी पैसा की जरूरत थी जो अमेरिका जापान आपके विकसित देशों ने किया भी है, तो कुछ राशि डायरेक्ट अब इसे ऋण की तरह ले रहे हैं आप लोग, की बैंकों को दे दिया गया कि गरीब ऋण ले। अभी आप सोचिए कि गरीब अभी कहाँ जाएंगे ऋण लेने, कौन जाएगा अभी ऋण लेने बैंकों के पास, तो हाल में कोई तुरंत रूप से प्रभाव नहीं दिख रहा है इसका। चलिए आगे देखिएगा, आगे कि आगे से यहाँ पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री वर्ष 2014-15 में FDI आंकड़े बेहतर रखने का श्रेय लेने में काफी खुश थे, लेकिन जब ये आंकड़े गिरने लगे तो FDI को उनकी उपलब्धियों की सूची से हटा दिया गया। अब राज्य सरकार ने चीन से बाहर निकलने वाले FDI को आकर्षित करने को लेकर उत्साहित दिख रही है, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की राह में रोड़े अटकाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रालयों के तैयार रहने का के बावजूद ऐसा है। एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि जब हमारे मोदी प्रधानमंत्री बने थे, जो इनकी गरीबों के प्रति असहाय मजदूरों के प्रति भावनाएं थी वो बदल चुकी हैं, आप मानिए या ना मानिए, मुझे ऐसा लगने लगा है पर्सनल। अब वो अलग बात है कि अपनी अपनी समस्याएं, क्योंकि अब उस तरह से बात भी नहीं करते हैं,
ये उसी तरह है कि जब आदमी पावर में आ जाता है तो उसे कम दिखने लगता है। कि जब हमारे नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो आपने देखा होगा कि बड़े अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन अब वो बातें नहीं रही। ये मैं पर्सनल है, इसमें नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल में, एक कहीं कर्नाटक तरफ या मुंबई तरफ कहीं भाषण में सुन रहा था, तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी कि जो हवाई चप्पल से चलता है पहन के उसे हवाई जहाजों में घूमना चाहिए, ये हमारे मोदी साहब का सपना है। लेकिन अभी आपने देखा कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो संकट छाए हुए थे, इसमें आपने देखा होगा कि बेचारों को ट्रेन नहीं मिली जाने के लिए, कई लोग कट कर मर गए, कई लोग भूख से मर गए, और जो बड़ी हस्तियां हैं उनके लिए बराबर हवाई जहाज भेजे गए, उन्हें भी ले आना, बेशक हमारे देश के वो भी नागरिक हैं, लेकिन कम से कम अगर किसी पर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो किसी पर 10 रुपये खर्च करना तो बनता है, क्योंकि आप देश के राजा हो और आपका कर्तव्य है देश की रक्षा करना। और याद रखिए, आज भी हम लोग इंदिरा गांधी के समय को उस काल का काला दिन कहते हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण। ठीक है, तो ये इतिहास है, ये बख्शता किसी को नहीं है। आज जो तुम कर रहे हो वो कल आएगा, देखा जाएगा। और याद रखिए, 302 सीटें या कितनी सीटें आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस इतनी पावरफुल थी कि बीजेपी की 1-2 सीटें आती थी तो वो भी डूब गई। तो जिसका उदय होता है उसका डूबना निश्चय होता है, लेकिन किस तरह से डूबता है ये आप पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो कोई भी नेता हो जनता के लिए चुना जाता है। अब आपने देखा होगा कि आप ही सोचिए, अगर राम इस समय होते तो क्या घर में बैठकर वो टीवी देख रहे होते? कभी नहीं, वो जाकर जनता में अपनी व्यवस्थाएं बना रहे होते, ये हकीकत है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, अपना अपना व्यू है, अपना अपना अपने पास रखिए, देखते रहिए, और जब भी आंसर राइटिंग आया करे या कहीं ऐसे लिख रहे हैं तो अपना आपको बैलेंस बनाकर रखना लिखना है। ठीक है, कितनी भी बुराई किसी में हो लेकिन उसकी पूरी बुराई आपको नहीं लिखनी है, दोनों का बैलेंस बनाकर लिखिए और अपना एक ओपिनियन निष्कर्ष रखिए। ठीक है।